जबलपुर में एक भूतिया घर था। एक दिन की बात है, जब ढोलकू और कमलेश काम करके भूतिया घर के पास से गुजर रहे थे, तभी भूतिया घर से किसी की आवाज आती है। फिर ढोलकू कमलेश से बोलता है, अरे कमलेश, तुमको इस घर से कोई आवाज आया क्या रे? या फिर मेरा साला कान खराब हो गया है क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वाह रे बेटा, और लगाओ हेडफोन। साला तुमको कितना बोले कि हेडफोन मत लगाओ, हेडफोन मत लगाओ, तुम तो मेरा सुनता ही कहाँ है। अभी तो तुमको सिर्फ इस घर से आवाज आ रहा है, कुछ देर बाद बोलेगा हमको भूत दिखाई दे रहा है। साला कहीं के हमको तुम पागल समझा है क्या? क्या हुआ, अब बोलना, चुप क्यों है? अब बोल। पीछे देख साले, पीछे देख। मैं पीछे नहीं देखता, मेरी नजरें बाज की तरह है, बाज की तरह मेरी नजर हमेशा आगे रहती है। अरे भाई, एक बार देख ले फिर कभी भी बाज नहीं बन पाएगा। बाज तो दूर की बात है, एक बार पीछे देख लिया ना फिर आगे कभी भी देख नहीं पाएगा। फिर ढोल को वहाँ से भाग जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जैसे ही कमलेश पीछे मुड़कर देखा है तो उसे बहुत बड़ी चुड़ैल दिखती है। फिर कमलेश डर के मारे चिकनी चिल्लाने लगता है। फिर ढोलकू भाग के गांव में चला जाता है। फिर ढोलकू को रास्ते में टिंकू चाचा जी मिल जाते हैं। काल वाले ढोलतुआ, तुम्हें साला कुकुर की तरह दौले दौले कहाँ डाला है ले? इतना डला हुआ क्यों है? क्या तुम रास्ते में मंजुलिका की ताती को तो नहीं देख लिया? अरे चाचा, मंजुलिका नहीं, मंजुलिका की नानी को देख लिए हैं। क्या बात कर रहा है ढोलतुआ? ये साला हम लोग गांव में भूतनी करते रहने लगा ले, वो भी साला घर में। उसको कहीं और जगह नहीं मिला क्या रे, जो कि वो घर में घूम रही है? और तुम साला कुकुर का बेटा जैसा भगाया, ये नहीं कि उसको मार के भगाए। ताला, तुम मलद के नाम पे कलंक है ले तलंक। अब तुम घर जाओ, घर में जाकर चूड़ी पहन लो साला डरपोकवा कहीं का। अरे चाचा, आप ही चलो घर, नहीं तो कभी भी घर नहीं जा पाओगे। वह देखो नानी आ गई, जल्दी भागो चाचा, जल्दी भागो, नहीं तो आज हम लोग गए काम से। हाँ, तुम ही भागो यहाँ से, कोई नानी वानी नहीं है, ये तो फैंसी ड्रेस वाली लगती है, पागल कहीं का, ज्यादा तुमको भूत सूझता है, भाग यहाँ से। तुम लोग मरोगे साले मरोगे, हम जा रहे हैं मुखिया जी के पास। फिर ढोलकू को वहाँ से भाग जाता है। फिर टिंकू चाचा के सामने मंजुलिका की नानी आ जाती है। अच्छा तुम है मंजुलिका की नानी, थोड़ा मेरा हाथ गायब करके दिखा तो, सबको बड़ा जला रही है तब से। अरे साला, ये तो मेरी हरी भरी जवानी का मजाक उड़ा रही है, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे बेटा। ओ सॉरी सॉरी, बेटा नहीं बेटी, तुमको तो कर दिखाता हूँ इस चाचा का पावर। फिर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। जी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ है, किसी से मार खाए हैं क्या? और एक आपका हाथ कहाँ गया, कोई तोड़ दिया क्या? अब आप वो सब काम किससे कीजिएगा, दो नंबरिया वाले काम? अरे साबा, ये औरत को तो दो नंबरिया का चिंता है, ये नहीं कि पति देव खाना पीना कैसे खाएंगे। वो सब छोड़िए, लेकिन आपका हाथवा गया तो गया कहाँ? क्या बताएं, इमली रास्ते पे चुड़ैल मिल गई। तभी एक बाहर से आवाज आती है। लो अब दमलू भी गया, हमें सुबह होते ही मुखिया जी के साथ बैठक करना होगा। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं जी, नहीं तो हम लोग गए काम से। फिर अगले ही सुबह मुखिया जी के साथ टिंकू चाचा और बाकी गांव वाले बैठक करते हैं। पूरी बाबा, हे भगवान, ये हमारा गांव में किसका नजर लग गया, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो धीरे धीरे सारा गांव खाली हो जाएगा। हरे मेरा हाथ, पता नहीं कौन सी हालत में रखी होगी चुड़ैल नानी। उसका बाप और नाना का लात चलता है क्या, जो हम सबको उठा के ले जाएगी? अरे वेंगू राम, समझो मेरा बात, नहीं तो मेरा सिर्फ हाथ गायब हुआ है, तेरा कुछ और गायब हो जाएगा तो फिर रोते रहना।
अरे डेंगू बेटा, टिंकू सही कह रहा है, आज के बाद से कोई भी रात में नहीं निकलेगा घर से, नहीं तो चूड़ल उठा के ले जाएगी, सब कोई समझ जाओ अब से, नहीं तो भूत उठा के ले जाएगी। फिर मुखिया जी ने ये निर्णय क्या किया, आज के रात के बाद से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन डेंगू राम ने एक भी बात नहीं सुना। अगली ही रात डेंगू राम सूसू करने के लिए बाहर निकल गया। हम तो एक भूत कुकुर हाथी से ऐसे नहीं डरते हैं, अगर जीत गया तो नतनिया की तरह नचाएंगे उसको। लेकिन कुछ ही देर में चुड़ैल आ जाती है। फिर डेंगू राम बोलता है, लेकिन डेंगू राम को देखते हुए ढोल को देख लेता है। फिर ढोल बोलता है, अरे मुरे मैया, सुसु करने तो इस साला डेंगू मछड़वा आया था, लेकिन सुसु मेरे पैंट में हो गया रे, इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा, कल ही फिर से मीटिंग बुलाता हूँ। बाप रे बाप, ये चुड़ैल नहीं मंजुलिका की नानी है नानी। अरे झिंगालाल जी, आप मुखिया हैं इस गांव के, कुछ कीजिए, हम सब मरना नहीं चाहते हैं, कुछ कीजिए। अरे ढोलकुआ, ये झिंगालाल को बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना होगा। ये सिर्फ नाम का मुखिया है, इसका नाम झिंगालाल नहीं, सिर्फ झिंगू रखना चाहिए था। क्या बोलेगा तुम, अभी दो थप्पड़ दूंगा ना, तीन बार मर के जिंदा हो जाएगा साला, खुद को देख ले पहले। I will see you later। अबे भाइयों, देख लियो ये हमको बोला, I will see you later, मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। हाँ तो चाचा, आप किसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रहे हो, आपसे तो 100 गुना तेज है सब यहाँ। अरे भाइयों, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, पहाड़ी के उस पार शैतान बाबा रहते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं, जाओ उनको लेकर आओ। अरे झिंगालाल, एक चुड़ैल कम थी क्या जो तुम बोल रहे हो कि शैतान बाबा को बुला के लाने, तो भी गजब है झिंगालाल, तू गजब है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे साला पगला गया है क्या ससुरा, इसको पहले मार के भगाओ यहाँ से, फिर कुछ करेंगे हम दो। अरे भाइयो, उसका नाम सिर्फ शैतान बाबा है, रियल में शैतान नहीं है, वे तो छोटा भीम वाले बाबा के दादाजी हैं, यानी कि धुनी बाबा के दादाजी हैं। धुनी बाबा ढोलक पर चले गए थे और शैतान बाबा पहाड़ी के उस पर। सॉरी मुखिया जी, सॉरी, हम लोग ने आपको पागल समझा। चलो भाइयो शैतान बाबा के पास, अब हमें वही बचा पाएंगे। फिर सब गांव वाले बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है पहुंच गए, यहीं कहीं शैतान बाबा होंगे। अरे ढोलकुआ, ये बाबा का घर कम और शैतान का घर ज्यादा लगता है रे, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद बाबा जी का आवाज आता है और बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, किसको ढूंढ रहे हो तुम? कोई शैतान बाबा यहाँ रहते हैं क्या, हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अच्छा बच्चा, तुम शैतान बाबा को ढूंढ रहे हो? हाँ बाबा, हम लोग शैतान बाबा को ही ढूंढ रहे हैं। आप ही हैं शैतान बाबा क्या, बताइए ना बाबा, आप ही हैं क्या, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अच्छा बच्चा, मैं ही हूँ शैतान बाबा, धोनी बाबा का दादाजी, और मुझे सब कुछ पता है तुम लोगों के बारे में, तुम लोग एक चुड़ैल से परेशान हो। कोई बात नहीं बच्चा, मैं आज रात को उस चुड़ैल को अपनी जादुई शक्तियों से मार दूंगा, आप लोग अब घर जा सकते हैं। शैतान बाबा सबको घर जाने का आदेश देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि आज रात को हम उस चुड़ैल का अंत कर देंगे। अबे यार, कहाँ रह गए शैतान बाबा, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे चाचा, कहीं बाबा से पहले मंजुलिका की नानी आ जाए। अरे झिंगालाल, कहाँ है तेरा बाबा? अरे भाई, सिर्फ बाबा नहीं बोलो, पूरा नाम बोलो, शैतान बाबा। तुमको साला नाम का पड़ा है, कहीं नानी आ गई ना, बैंड बज जाएगा हमारा। फिर कुछ देर बाद शैतान बाबा आ जाते हैं। बाबा कहाँ रह गए थे, आने में इतनी देर कैसे हो गई? बच्चा वो मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा भागा भागी हो रही थी। बाबा आपका भागा भागी के चक्कर में हम अपने दाम से हाथ धो बैठते। बच्चा अब कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, चुड़ैल को भगा के ही दम लूंगा, रिलैक्स बच्चा, रिलैक्स। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल भी आ जाती है। अरे ओ मंजुलिका की भौजी, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से खत्म कर दूंगा। अरे शैतान बाबा, मंजुलिका की भौजी नहीं, मंजुलिका की नानी बोलो नानी, थोड़ा समझा करो बाबा, किसी का रिश्ता खराब नहीं करने का। हाँ बालक, तुम सही कह रहे हो, हमें किसी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। देखो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो,
मैंने आपका नाम खराब कर दिया है। आई एम सॉरी, आप मुझसे शादी करेंगे? आप बहुत सुंदर दिख रही हो। अरे बाबा, शादी छोड़ो, उसको भगाओ यहाँ से। चुप, तुम लोगों की बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब तुम सब नहीं बचोगे। लेकिन जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है, शैतान बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को गायब कर देते हैं, यानी कि चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भगा देते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।